देखा जाए राइट, मैंने आप लोगों को टू टाइम्स वर्णमाला लिखने के लिए दी थी और हिंदी टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने दो का अभ्यास किया था। ओके नाउ आज हम लोग वर्णमाला को फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में करेंगे। और प्लीज आप लोग सब अच्छे से वर्णमाला लर्न कर लो, अच्छे से सीख लो, समझ लो। जैसे इसको क्या कहते हैं द, ये है भ, ये है म। बिकॉज जब तक क्योंकि आप लोग वर्ड्स रीड करते नहीं आएंगे तब तक आप लोग आगे के वर्ड्स भी रीड नहीं कर पाओगे। जैसे सपोज करो हम लोगों ने अभी अभ्यास किया क का, ठीक, तो हम सिर्फ क्या सिर्फ क को ही पहचानते हैं राइट। क का अभ्यास करना मतलब हमने सिर्फ अभी क को ही पढ़ाओ, ऐसा नहीं। क के साथ में वर्ड्स भी तो बनाऊंगी, जैसे क द म। अगर आपको द और म रीड करते नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे क ल म। अगर ल रीड करते नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे क ल। जैसे मैंने क तो लिखा जैसे क ल, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं ये तो आपको आना चाहिए, क का अभ्यास हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में कौन सा वर्ड है एटलीस्ट आप लोग उसको अच्छे से पहचान हो। क्योंकि आप लोग अगर वर्णमाला के वर्णों को नहीं पहचानोगे तब तक हिंदी रीडिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों को वर्णमाला के वर्णों को अच्छे से पहचानना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है, बोल कर प्रैक्टिस करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। उसके बाद में जो मात्राएं पढ़ेंगे वो तो आपके अगले क्लास में है। इस क्लास में आपको सिर्फ स्वर और सारे व्यंजन यही अच्छे से सीखना है। लेकिन अब हमारे पास टाइम होगा तो मैं आपको मात्राएं भी सिखाऊंगी, मैं मात्राएं भी पूरी अच्छे से सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप लोग वर्णों को अच्छे से सीख ले, ठीक है ना। व्हाट इज दिस अ अनार का राइट, ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो जूनियर में या शायद नर्सरी में भी या मम्मी उससे भी पहले से हमको एटलीस्ट इतना तो बताती है कि अ अनार का अ आम का राइट अ अनार का। अब अनार के बाद क्या आता है, क्या आता है अनार के बाद में आ आम का है ना, ये क्या है आ अ आम राइट। चंदा चांद
के बाद में छ, छ से छाता, छतरी, छांस, है ना। उसके बाद में ज, ज से जहाज, जी, जीवन, ज से जल, ज के बाद में झ, झ झंडे का, झ से क्या होता है झंडा, है ना, झ से झंडा, झरना, ना। ज्ञानी, ओके,
Now I am repeating the old words. A, A, E, E, U, U, three. A, A, O, O. Aha. G, 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 D. Ch, Ch, J, J, N. T, T, D, D, N. T, T, D, D, N. P, P, B, B, M. Y, L, L, B. Sh, Sh, S, H. Sh, R, Y. ओके, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, अच्छे से आप इन वर्डों को समझ लोगे और ये आपको CW नोटबुक में अगेन ये वाला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स आपको टू टाइम्स लिखना है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स इन CW नोटबुक। ओके, CW नोटबुक में आपको टू टाइम्स लिखना है। ठीक, बाय बाय।